या बातमीचे प्रायोजक आहेत अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, बीजापूर बेस, सोलापूर। लोकप्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष फारूक शाब्दी ने पूरा किया अपने मतदान का अधिकार। जी हाँ, अपने परिवार समेत फारूक शाब्दी ने अपने मतदान का अधिकार पूरा किया है। देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी अभी वो मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मतदान का अधिकार पूरा किया। साथ में उनका परिवार भी है। अपने पूरे परिवार समेत फारूक शाब्दी ने आज मतदान का अधिकार पूरा किया है। बात करें तो हमारे भारत देश की ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है कि हर किसी को मतदान का अधिकार मिलता है। चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, हर किसी को मतदान का अधिकार मिलता है और उसी मतदान का अधिकार पूरा करने फारूक शाब्दी मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मतदान का अधिकार पूरा किया। सोलापुर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं फारूक शाब्दी और उनको भी मतदान का अधिकार है, पूरी जनता को मतदान का अधिकार है। बात करें तो शहर विधानसभा क्षेत्र में, मध्य विधानसभा क्षेत्र में कुल 20 उम्मीदवार हैं और सभी की नसीब आज ईवीएम मशीन में कैद हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पूरे 20 उम्मीदवारों की किस्मत नसीब आज ईवीएम मशीन में कैद हो रही है, क्योंकि आज वोटर्स ये तय कर रहे हैं कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र का आमदार कौन बनेगा, कौन बनेगा शहर मध्य विधानसभा का विधायक। आज वोटर्स अलग अलग मतदान केंद्र पर जहां उनका मतदान है वहां पहुंचकर अपने मतदान का अधिकार पूरा कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस त्योहार में महाराष्ट्र के वासी बड़ी खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजने तक ये वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर लोक प्रधान न्यूज चैनल की टीम ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही है। हमें उम्मीद है कि शाम 6 बजने तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और किस पोलिंग बूथ पर मतदाता किस तरह से, किस उत्साह से मतदान कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी भी फारूक शाब्दी मतदान कर बाहर निकले हैं और उनकी भी नसीब आज ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है और 23 तारीख को ये पेटी खुलेगी और पता चलेगा कि 23 तारीख को किसकी लॉटरी लगेगी। जी हाँ, शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो देवेंद्र कोटे, फारूक शाब्दी, चेतन नरोटे, अड़म मास्टर, तौफिक शेख, इन उम्मीदवारों में तगड़ी फाइट देखने मिल रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता हो, सोलापुर की जनता हो, 23 तारीख को ये बताएगी कि कौन बनेगा शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र का आमदार विधायक। आज 20 नवंबर 2024 आज पूरे महाराष्ट्र स्टेट में असेंबली इलेक्शंस के लिए वोटिंग का दिन है। तो आज मैं मेरे तमाम वोटर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज इस दिन को एक तारीखी दिन बनाते हैं और बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर वोट करते हैं। आओ आज हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं और मेरी आप सबसे विनती है कि आज अगर कोई भी ज़रूरी काम है तो उसको बाजू में रखिए और अपने दिन की शुरुआत वोट डालने से। कुणाला गिफ्ट द्यायचा असेल तर मग चला ना अरमान अत्तर अँड परफ्यूम मध्ये। सर्व प्रकारचे ब्रँडेड अत्तर परफ्यूम एकाच ठिकाणी मिळण्याचे सोलापुरातील प्रसिद्ध ठिकाण अरमान अत्तर अँड परफ्यूम, अजमल, रसासी, अहमदुल मगरिबी, स्विस अरेबियन यासारखे नामवंत कंपनीचे अत्तर अँड परफ्यूम मिळतील। इम्पोर्टेड गॉगल्स मध्ये पोगली, रेबॅन, एलबी, फरारी, गुची, अरमानी आदी नामवंत कंपनीचे गॉगल्स मिळतील। रॅडो, रोलेक्स, अरमानी, एपी, हुब्लॉट या कंपनीचे लेटेस्ट इम्पोर्टेड वॉचेस उपलब्ध। त्याशिवाय टेबल लॅम्प, बखूरदानी, मसाज गन, इम्पोर्टेड अगरबत्ती, हेअर ड्राय, फिंगर रिंग्स या वस्तू खरेदीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या अरमान अत्तर अँड परफ्युम्स। पता मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।